हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, कृष्णा नगर में अमित शाह का रोड शो हो रहा है। कृष्णा नगर उत्तर में अमित शाह का ये रोड शो, जहां बीजेपी कैंडिडेट मुकुल रॉय के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब एक बार फिर से आप जरा इस भीड़ पर नजर डालें। अब आप चुनाव देखेंगे, चुनावों की रैली देखेंगे, इन नेताओं के चेहरे पर मास्क ढूंढेंगे या फिर इस भीड़ के चेहरे पर मास्क ढूंढेंगे। तस्वीर आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो, कृष्णा नगर के नादिया में ये रोड शो चल रहा है, जहां से मुकुल रॉय पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस रोड शो को जो आप देख रहे हैं, इसके बाद भी क्या किसी को शक शुबा रह जाता है कि कोरोना के नियमावली का किस तरह से उल्लंघन हो रहा है? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की बात है, किसी के चेहरे पे यदा कदा मास्क दिख जाए तो आप अपने आप को किस्मत वाला समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखें, नेताओं के चेहरे पर भी मास्क है या नहीं, इसे भी ध्यान से देखना चाहिए। और इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों को हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें देखकर जिनमें विश्वास कर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, जब वही कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो फिर जनता किसके आचरण को अपने जीवन में अनुसरण करे? जाहिर सी बात है, नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी ताक पर रख दी है और ये सब कुछ आज आपको दिखाई दे रहा है। अब आप इन चेहरों को देखिए, कितने चेहरों पर मास्क दिखाई दे रहा है, और जिन चेहरों पर मास्क है भी उसमें नाक और मुंह तो कम से कम ढका हुआ नजर नहीं आता। ग्राउंड रिपोर्ट अब एक देखिए हमारे संवाददाता की, कृष्णानगर से। कृष्णनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर मुकुल रॉय और साथ में कौशानी मुखर्जी, ये दोनों के बीच टक्कर है। कौशानी एक जानी मानी एक्ट्रेस है बांग्ला फिल्मों की, और मुकुल रॉय को तो सभी जानते हैं क्योंकि वो बड़े नेता रहे हैं टीएमसी के, उसके बाद अब बीजेपी में हैं। यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार क्या मूड है कृष्णनगर का। अच्छा, यहाँ पर हवा किसकी है, दीदी की, मोदी की, किसकी है? मोदी की, मुकुल रॉय एवं परिवर्तन हो गया और जो बोला है खेला होवे, वो खेला शेष हो गया, शेष हो गया। हाँ, अभी अमित शाह मोदी जी का शुरू हो रहा है खेला। दीदी हवा ना मोदी, मोदी हवा, परिवर्तन तो हो गया, ये तो मोदी हवा तो आ गया। दीदी कुछ नहीं किया 10 साल में, दीदी क्या किया 10 साल में वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल का बर्बाद कर दिया। हवा टकर मोदी ना दीदी, हमारे तो आशा करी दीदी जीतवे, देखा जाए वोटर पड़े जाना है। इनका कहना है कि इनको लगता है कि यहाँ से ममता बनर्जी ही, मतलब टीएमसी ही जीतेगी, दीदी ना कि मोदी। यहाँ पर दीदी, कृष्णनगर में चलते चलते हमें एक मूर्ति नजर आई, ये मूर्ति आपको दिखाते हैं, यहाँ पर यमराज की पूजा हो रही थी। अच्छा, आप लोग यहाँ यमराज की पूजा करते हैं? हम लोग यमराज की पूजा करते हैं। तो यमराज हैं जो न्याय करते हैं, चुनाव हो रहे हैं, न्याय अन्याय की बातें हो रही है, आपके यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है? हमारा उस बंगाल में तो परिवर्तन हो रहा है, हमारा उत्तर विधानसभा में परिवर्तन बहुत ज्यादा से हो रहा है। मोदी को तो हवा है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट में एक बात है, जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।